देख सकते हैं दो चोरों की ये गैंग जिनसे 17 बाइकें बरामद होती है। 17 बाइकें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो चोर दो साथी बताए जा रहे हैं जिनसे टोटल 17 बाइकें बरामद हुई है। करनाल की एंटी ऑटो थेफ्ट शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इन दोनों चोरों से शातिर चोरों से लगभग 17 के करीब जो बाइकें हैं वो बरामद हुई है। आप देख सकते हैं कि दोनों नौजवान ये लड़के हैं किस तरीके से बाइक चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। 17 बाइकें चुरा लेते हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो 17 बाइकें आपको नजर आ जाएंगी। 17 बाइकें हैं जिसके अंदर एक बुलेट बाइक भी है। और अपील यही रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं इनके पीछे 17 बाइकें आपको नजर आ जाएंगी जिसने इन दोनों साथियों ने आपस में दोनों साथी बताए जा रहे हैं जिन्होंने 17 बाइकें चुरा ली। जगह जगह करनाल में लगातार जो है बाइक चोरी की वारदातें सामने आती हैं और दो चेहरे आप देख सकते हैं, दो नौजवान लड़के हैं जिन्होंने 17 बाइकें चुराई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 बाइकें चुराना, पीछे आपको नजर आ जाएंगी एक बुलेट है, 17 बाइकें हैं, किस तरीके से इन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नौजवान लड़के हैं, लगातार ऐसा देखा जाता है कि अधिक पैसे कमाने की लालच में और नशा आदि करने के लिए इस तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और जो भी बाइकें हैं उनको अलग अलग कर बेचा जाता है या पूरी की पूरी बाइक जो है वो बेच दी जाती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो चोरी की वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हम जानकारी लेंगे जो एंटी ऑटो थेफ्ट से इंचार्ज है रोहतास जी। कल हमने गुप्त सूचना के आधार पर दो लड़के हैं, एक अजय और एक मनीष, जो जिंजाणा के पास गांव है बम्भेड़ी, वहां के रहने वाले हैं। दोनों मित्र हैं, नशे के आदि हैं। इनको हमने मेरठ रोड से गिरफ्तार किया था और इन्हें पूछताछ पर काफ़ी मोटरसाइकिलें बताई हैं जो हमने 17 मोटरसाइकिलें इनसे बरामद करी हैं। कौन कौन सी बाइकें हैं सर? स्प्लेंडर है, एक बुलेट है और दो ये HF डिलक्स है। किस लिए चोरी किया करते थे? यूपी की भी नंबर है मोटरसाइकिल। हाँ, यूपी की भी, जिनमें से इन 17 मोटरसाइकिल में से 9 मोटरसाइकिलों के तो हमारे करनाल में मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी, और जो बाकी मोटरसाइकिल की इनका चेक करें हैं, यूपी से भी चोरी है इनमें, यूपी में कहाँ मुकदमे दर्ज है और हमारे यहाँ बाकी और कहाँ। हिस्ट्री शीटर है सर, ये पहले भी नहीं, पहले ये फ्रेश है, इनने अभी थोड़े दिन से चोरियाँ शुरू करी हैं। तो क्या एक दूसरे को देख कर ये इंस्पायर होते हैं? क्या होता क्या इनको कि बाइक चोरी करना आजकल बड़ा आसान हो गया सर? हाँ, बाइक चोरी करना तो आसान इसलिए हो गया कि एक तो कुछ लोग लगाने में हम ही खुद ही लापरवाही करते हैं और बाइक इतनी है विदाउट पार्किंग ये चोरी करते हैं। तो लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहिए कि उम्र कितनी है? कैसे करें अपने व्हीकल्स की? इनकी उम्र है करीब 25 साल के, 23-24-25 इस तरीके के हैं। सर आपने कहा कि लोग लापरवाही बरतते हैं, तो लोगों को क्या एक मैसेज देना? हाँ, आप लोगों के माध्यम से हम उनको संदेश देना चाहते हैं, भाई कोशिश करें, भाई अपनी बाइक जब रोकी है तो उसका एक तो लोग चेक करके जाए, आपने लोग की है या नहीं की है। दूसरी बात कोशिश करें भाई पेड़ पार्किंग में खड़ी करें, और तीसरी बात एक जो अगर अगले भैया में लोग लगा लिया जाए तो उससे मतलब 100-200 रुपए के लोग से 40,000 की 70,000 की मोटरसाइकिल उसकी बच सकती है। उम्र क्या है सर? कहाँ से है? उम्र क्या है सर? दोनों हैं जो उनके घर तक भी पता लगेगा, क्या संदेश पहुंचाएंगे क्या? हाँ, जो जिसकी मोटरसाइकिल है कुछ तो आप लोगों के माध्यम से पता लग जाएगा, जो कुछ जिनके एफआईआर दर्ज है उनमें उनके पास हमने ऑलरेडी टेलीफोन कर दिया एफआईआर से नंबर देके। करनाल की 9 एफआईआर दर्ज है करनाल जिले। युवक है ये, जिंजाणा थाना पड़ता है यूपी में, यूपी के हैं। जिला मुजफ्फरनगर में। इनकी उम्र है 24-25 साल। काम काज कुछ नहीं करते? काम काज तो हमारा ये है, इस चोरी करते हैं सर। इसमें कौन कौन सी धारा है? धारा इसमें 379 चोरी की, 411 सर। ये दोनों का आपस में कोई लिंक है? देख सकते हैं कि 17 बाइकें दो साथियों से बरामद की जाती है, दोनों आपस में साथी बताए जा रहे हैं, यूपी के जिंजाणा गांव में के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो जिंजाणा थाना उसके अंदर अंतर्गत जो है गांव आता है उसके रहने वाले हैं। अजय और मनीष इनका नाम बताया जा रहा है, लगातार बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आधी बाइकें इसमें से यूपी की हो सकती है और दूसरी बताई जा रही है कि इन 17 बाइकों में से 9 बाइकों के मामले करनाल में ही दर्ज है। करनाल से ही इन बाइकों को चोरी किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल में जो लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है और उसी में से 9 बाइकें बताई जा रही है जिनके मामले करनाल में दर्ज हैं। टोटल 17 बाइकें हैं, एक बुलेट बताई जा रही है, दोनों आपस में साथी बताए जा रहे हैं।
हालांकि क्यों ये चोरी करते हैं, कैसे चोरी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपील यही है कि अपनी जो बाइक है उसको ध्यान से पार्क करें, पेड पार्किंग में पार्क करें। और ये भी देखा जा रहा है कि घरों के बाहर से भी बाइकें जो है वो चोरी हो जाती हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। चाहे किसी भी पार्किंग में बाइक खड़ी की जाती है वहां से चोरी हो जाती है। इस तरीके के नौजवान लड़के जो है वो बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि एक बड़ी कामयाबी है कि 17 बाइकें बरामद कर ली गई हैं, 17 बाइकें जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बुलेट है, यूपी नंबर हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बाइकें यूपी की हैं जबकि 9 बाइकें करनाल की हो सकती हैं, जिनके मामले दर्ज हैं करनाल में। अपील यही रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अजय और मनीष दोनों साथी बताए जा रहे हैं, साथ मिलकर इन बाइक चोरी की वारदातों को ये लोग अंजाम दिया करते थे, तो अपनी बाइक और अपने वाहन का जो है बहुत ही ध्यान रखें। अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।